नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं शिक्षक भर्ती सूचना को लेकर। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का लाभ लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को हर प्रमाण पत्र अपने मायके से ही बनवाना होगा, शादीशुदा महिलाओं को। यानी कि जो निर्देश जारी किया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि उनका जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, सारे के सारे में पिता का नाम होना आवश्यक है। पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी दिव्यांगों को लेकर, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि दिव्यांगता का लाभ लेने के लिए, दिव्यांगता आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है वह किसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ही निर्गत होना चाहिए। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन संशोधित किया गया है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ही मान्य होगा। और इस तरह से शिक्षक भर्ती नियमावली और विज्ञापन में संशोधन किया गया है। और वहीं जो क्रम 3 का नाम देना है, वहीं 2020 में 20 से पहले नियोजित शिक्षकों जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा, बीटेट, सीटेट या एस्टेट उत्तीर्णता की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम 3 बार शिक्षक बनने के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए 1 से 5 जैसे हो गया, 6 से 8 हो गया, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए आवेदन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता और उम्र के अनुसार संवर्ग की प्राथमिकता देते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन देंगे और मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को एक ही पद पर आवंटित किया जाएगा। लेकिन विभिन्न पदों के लिए 9 से 10 में, 11 से 12 में भी आप आवेदन दे सकते हैं, मात्र एक बार में ही। अब उसमें सिर्फ ऑनलाइन में वह मेंशन करना होगा अपनी शैक्षणिक योग्यता। और इधर बिहार में ड्रग्स शराबबंदी के बाद ड्रग्स तस्करी का धंधा बढ़ गया है। तो बिहार में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन में ईओयू के साथ रा भी शामिल है। भारत का जो खुफिया एजेंसी रा भी शामिल हो जाएगा। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स में अब 14 एजेंसियां नेपाल से सटे 8 जिलों पर नजर रखी जाएगी। पटना के जेठुली, भोजपुर के मसाड़ और वैशाली के राघोपुर पर निगरानी ज्यादा की जाएगी। और इधर बिहार को एक और गिफ्ट मिलने वाला है। वंदे भारत ट्रेन पटना पहुंच चुकी है। पटना से रांची का सफर 6 घंटे में होगा। जहां तक उसके किराया की बात है तो 800 से 1150 रुपया रहने की उम्मीद है। हालांकि रेलवे ने अभी तक किराया कितना लिया जाएगा इससे वे पर मुहर नहीं लगाया है। और वहीं अगर बिहार में मानसून की बात करें तो 5 दिन से एक ही जगह अटका हुआ है। मानसून थोड़ा और लेट हो सकता है। हम आपको बता दें कि मानसून लगभग 8 दिन लेट हो गया है, लेकिन उम्मीद रखिए मानसून बेशक लेट आएगा लेकिन मानसूनी बारिश सामान्य ही रहेगी। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र, इससे मानसून में देरी, बारिश के साथ लू भी चलेगी। और वहीं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों के बर्तन, वस्त्र और राशि 1,000 रुपये की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा 10 जिलों में 100 में से 58 बाढ़ आश्रय स्थल बने हुए हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बाढ़ से बचाव का उपाय नहीं किया जाता है लेकिन राहत शिविर का उपाय किया जाता है कि बाढ़ से जो तबाह हुए लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनके लिए राहत शिविर में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन अस्थाई निदान बिहार के पास नहीं है, इसमें फायदा किसका है? फायदा तो अधिकारी नेताओं को है, क्योंकि प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का आवंटन होता है और बाढ़ राहत के शिविर में यह खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं बिहार में अस्थायी निदान क्या
क्यों नहीं है। और वहीं एक खबर आ रही है औरंगाबाद से, अपराधियों का बोलबाला बढ़ चुका है। औरंगाबाद में नकाबपोश 3 लुटेरों ने पिस्टन सटाकर 40 लाख रुपए के जेवर लूटे। फायरिंग की शहर के पॉश इलाके में दिन दहाड़े इस डकैती से दहशत का माहौल है। और भारत में जीवंत लोकतंत्र, दिल्ली जाइए खुद देख लीजिए। फिर भी मोदी के दौरे से पहले व्हाइट हाउस का यह बयान आया है। और वहीं दक्षता परीक्षा देने वाले भी भर सकेंगे शिक्षक भर्ती का फॉर्म, यह विज्ञापन में संशोधन किया गया है। 18 जून को पटना में 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा, सहूलियत दी गई है। दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 11,500 शिक्षकों को भी जिला स्तरीय शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। दक्षता परीक्षा देने वाले शिक्षक चाहे तो बीपीएससी से जारी शिक्षक भर्ती राज्य कार्मिक शिक्षक परीक्षा में के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 जून को पटना में 22 केंद्रों पर दक्षता परीक्षा होगी। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त तक आवश्यक डिग्री के लिए अभ्यर्थी की परीक्षा हो जानी चाहिए, वे आवेदन कर सकते हैं। दरअसल दक्षता परीक्षा बीटेट या सीटेट के समकक्ष मानी जाएगी। और वहीं केंद्र की गलत नीतियों से महंगाई चरम पर है, जदयू का यह बयान है। और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाएं युवा, किसी के बहकावे में नहीं आवे। राजद कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए शिक्षा मंत्री। और खबर आ रही है, जमुई से सेना के लिए दौड़ लगा रहे युवकों को कार ने रौंदा, 5 घायल हो गई। कार चला रही महिला को युवकों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं बेतिया से खबर आ रही है, रोडरेज की बारात से लौट रही बोलेरो ने 7 छात्राओं सहित 8 को रौंद दिया, 6 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं बेतिया से ही एक खबर आ रही है, इस संपत्ति हड़पने के लिए 2 वृद्धों को चाकू से पेट चीर कर हत्या कर दिया गया। वहीं समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट पीट कर हत्या, विरोध में रोड जाम किया गया है। और वहीं पटना से वीडियो कॉल पर डॉक्टर ने दिया निर्देश तो नर्स ने किया ऑपरेशन, नस कटने से प्रसूता की हो गई मौत, जिंदगी से यह खिलवाड़ है। के नगर मजरा पंचायत की आशा कार्यकर्ता प्रसूता को सरकारी अस्पताल न ले जाकर प्राइवेट अस्पताल ले गई। बिहार में यह आम बात है, आशा कार्यकर्ताओं को मरीजों के सहूलियत के लिए रखा गया था क्योंकि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिले, लेकिन अब आशा कार्यकर्ता जो झोला छाप डॉक्टरों के दलाल बन गई हैं, वो हॉस्पिटल से मरीजों को बहला फुसला कर झोला छाप डॉक्टरों के पास ले जाती है, प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाती है, वहां से मोटी कमीशन कमाती है। और वहीं जमुई से खबर आई है, पेट दर्द हुआ तो झोला छाप डॉक्टर ने महिला की को दी सुई, हालत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। वहीं कैबिनेट का फैसला हुआ है, 9 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, 112 पदों का सृजन, नियुक्ति और बाढ़ सुखाड़ में वैकल्पिक बीज मिलेगा, 50 करोड़ की राशि मंजूर, हाई कोर्ट में 29 पदों का सृजन, 77 पदों को उत्क्रमित करने की स्वीकृति मिली है, और 3,200 आरा और 450 विनियर मिल होंगे, और सैप के 3,566 जवानों को अवधि विस्तार दिया गया है। और इधर हर मिनट 16 अकाउंट में सेंध लग रही है, आपका डेटा सुरक्षित नहीं है इसलिए आप अलर्ट पर रहें, खास करके साइबर फ्रॉड से बचने की हिदायत दी जा रही है। और वहीं तिलिया दानापुर पैसेंजर में लूटपाट करने वाले 2 और लुटेरे गिरफ्तार, दोनों हैं नाबालिग, पुलिस ने भेजा रिमांड होम। और इधर अगर बात करें तो जर्मनी, विदेशों की खबरें की बात करें तो जर्मनी में मंदी का भारतीयों पर असर नहीं, छटनी की आशंका के बीच चल रहे डिजिटलीकरण ने खोले हैं नए रास्ते। और कर्नाटक से खबर आई है, मंत्री के बयान के बाद भाजपा नेता गाय लेकर सड़कों पर, मंत्री ने कहा था, वहां के पशुपालन मंत्री ने कहा था, भैंस काट सकते हैं तो गाय क्यों नहीं काट सकते हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने यह आशंका जताया है कि भाजपा के शासनकाल में कर्नाटक में जो गो हत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया गया था, यह कांग्रेस की सरकार उसे हटा सकती है। हालांकि सरकार के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, वर्तमान सरकार के, कि जो गो हत्या पर जो कानून बना है वह स्पष्ट नहीं है, इसकी हम समीक्षा करेंगे।
तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।